हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा धान खरीद को लेकर अहम फैसला लिया गया है। यह अहम फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस खरीफ सीजन में 1.30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। अब हम आंकड़ों की बात करें तो इस खरीफ सीजन वर्ष में 26,85,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है, जिसमें से अब तक 24,18,694 किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। वहीं मार्कफेड के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 138.78 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है और 138.78 लाख टन धान खरीदी के एवज में 28,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। वहीं कस्टंग मिलिंग के लिए मिलर्स के द्वारा अब तक 92,38,000 टन धान का उठाव भी हो चुका है और मिलर्स को अब तक 102,37,525 टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया जा चुका है। अब सरकार के फैसले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा धान खरीद की तिथि को बढ़ाने की मांग सरकार से की गई थी, जिसे देखते हुए सरकार ने 4 फरवरी 2024 तक धान खरीद की तिथि को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।